हेयर ऑयलिंग का। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी काफ़ी सारे हेयर ऑयलिंग के वीडियो शेयर किए हैं और आप सभी को वो पसंद भी आए हैं, तो आज मैं आपके लिए एक और नए तरीके के हेयर ऑयल के साथ हेयर ऑयलिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो वो हेयर ऑयल कौन सा है मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, जो कि न्यू लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का है, इस तरीके की बॉटल में आता है, बायोलाज का मैट्रिक्स की रेंज है ये। एंड ये फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स मसाज क्रीम ऑयल लॉन्च हुआ है मैट्रिक्स में, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है, प्लस में ये जोजोबा बीट्स एंड कोकोनट के साथ बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि जेंटली आपकी जो स्कैल्प है या आपके स्कैल्प में जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको एक्सफोलिएट करता है एंड आपके स्कैल्प को एंड हेयर को डीपली नरिश करता है। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। और अगर आपके पास हेयर ऑयलिंग करने का टाइम नहीं है तो आप इसको 20 मिनट तक लगा के एंड अपने हेड को वॉश कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब मैं इस हेयर ऑयल को आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है, इसका वीडियो शेयर करने वाली हूँ, इसका वीडियो आपको शो करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं हमारा आज का वीडियो देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑयल हम लेने वाले हैं बायोलाज का मैट्रिक्स में। तो इसको हम एक बाउल में निकालेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए कितना इसका प्यारा टेक्सचर है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है और बहुत ही सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं टेक्सचर बहुत प्यारा है इसका, क्रीमी टेक्सचर है। इजीली आपके हेयर में एंड स्कैल्प में ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारी मॉडल है और ये इनके हेयर का टेक्सचर है पहले। ओके, आप देख सकते हैं। तो अब हम इनके हेयर में ये जो क्रीम ऑयल है इसकी हेल्प से इनके हेयर में ऑयलिंग करेंगे एंड मसाज करेंगे। उससे पहले हम हेयर को नीटली कॉम कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से आपको अपने हेयर को अच्छे से नीटली कॉम कर लेना है इसकी एप्लीकेशन से पहले। उसके बाद आपको अपने हेयर के दो सेक्शन कर लेने हैं, लाइक दिस, दो सेक्शन में डिवाइड करके। और फिर आपको क्या करना है, आपको इसको ब्रश की हेल्प से इस तरीके से अप्लाई करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे कि हम स्पा क्रीम अप्लाई करते हैं, आपको सेम इस तरीके से अप्लाई करना है एंड इसकी अच्छे से प्रॉपर आपको मसाज करनी है। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा अपने हेयर को, अपने स्कैल्प को वेट भी कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन से पहले। मैंने यहाँ पर इनके हेयर को वेट नहीं किया है क्योंकि इनके हेयर में हल्का हल्का जो है स्वेटिंग हुई थी, तो पसीने की वजह से इनका ऑलरेडी जो स्कैल्प है वो वेट था। तो मैंने जस्ट इनके हेयर में स्कैल्प पर ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई किया एंड इस तरीके से हल्के हल्के हैंड से प्रेशर पॉइंट्स के साथ मसाज की है प्रॉपर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज करनी है। तो फ्रेंड्स, ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिनके पास कि हेयर ऑयलिंग करने का टाइम नहीं होता, बिजी शेड्यूल के चलते अपने हेयर की केयर नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। फ्रेंड्स, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है एंड ऑल टाइप के हेयर के लिए ये बहुत ही अच्छा एक क्रीम मसाज ऑयल है बायोलाज का। और जो फ्रेंड्स इसकी फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत माइल्ड है और बिल्कुल आपको रिफ्रेश कर देगी। इसको अगर आप अपने हेयर में अप्लाई करते हैं, स्कैल्प में अप्लाई करते हैं, इसकी जो फ्रेग्रेंस है कोई
ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट फ्रेगनेंस है बिल्कुल। आपको बहुत ही अच्छी लगेगी जब आप इससे अपने हेयर में मसाज कराएंगे। तो आपको इस तरीके से प्रॉपर मसाज करनी है। और जैसे कि आजकल जो है समर सीज़न है, बहुत ही गर्मी है, तो उसकी वजह से हेडेक हो जाता है या जो है स्कैल्प में काफ़ी गर्मी लग रही है, गर्म हो रहा है आपका स्कैल्प, तो आप अगर इससे मसाज करते हैं तो आपके स्कैल्प को बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल फील होगा। तो इनको भी इस तरीके से करने से काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इनको इस तरीके से मसाज करने से। काफ़ी ये रिलैक्स फील कर रही हैं, स्ट्रेस फ्री फील कर रही हैं। तो आप इस तरीके से वीक में 2 बार मसाज कर सकते हैं इस ऑयल की हेल्प से। और आपको ओवरनाइट भी रखने की नीड नहीं है, आपको ओनली 20 मिनट्स तक अपने हेयर में इस हेयर ऑयल को या क्रीम मसाज ऑयल को अपने हेयर में अप्लाई करके रखना है। उसके बाद जो भी आपके पास शैम्पू है उससे आपको अपना हेड वॉश करना है एंड अपने हेयर को कंडीशनर कर लेना है, शैम्पू एंड कंडीशनिंग करनी है। ओके, तो उसके बाद आपका जो हेयर का टेक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और आपके हेयर अच्छे से नरिश हो जाएंगे, डीपली नरिशमेंट मिलेगी। तो ये देखिए मैंने इनके हेयर में अच्छे से एप्लीकेशन की है एंड अब मैं हल्का हल्का इनके हेयर में हेड पर मसाज दूंगी, बिल्कुल धीरे धीरे प्रेशर पॉइंट्स के साथ। और उसके बाद फिर मैं इनका एक बन बना दूंगी। तो आप देखना जब मैं इनके हेयर में पूरी मसाज कर दूंगी, एप्लीकेशन कंप्लीट कर दूंगी, उसके बाद जब मैं इनके हेयर में बन बनाऊंगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनके हेयर में हेयर ऑयलिंग हुई है या इनके हेयर चिपचिपे दिख रहे हैं, या आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि इनके हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल अप्लाई किया है। ओके, तो आप ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखिए एंड आप भी इस तरीके से इस हेयर ऑयल से मसाज करा सकते हैं। आपके नियर बाय कोई मैट्रिक्स के सैलून में जाकर के आपको वाकई में बहुत ही अच्छा फील होने वाला है एंड आपके हेयर का टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। और जितनी भी आपके स्कैल्प में इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब क्लीन हो जाएगी, आपका स्कैल्प भी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, हेयर भी हेल्दी हो जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनी हेयर हो जाएंगे। ओके, तो आप इस तरीके से ये इंजॉय कर सकते हैं, कोई भी सैलून में जाकर के आप अपने हेयर में ये मसाज करा सकते हैं इस हेयर ऑयल से। ओके, आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आप अब इस वीडियो को अच्छे से इंजॉय करें और स्टेप्स को देखें कि मैं कैसे कैसे इनके जो स्कैल्प में है मसाज कर रही हूँ और उसके बाद मैं इनका बन कैसे बनाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल लाइट ऑयलिंग करना चाहती हैं, लाइट हेयर ऑयलिंग पसंद करती हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक तो थोड़े टाइम के लिए आपको अपने जो स्कैल्प में है वो ऑयल को रखना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका जो शैम्पू है उसको भी जस्ट आपको एक वॉश में ही, आपको फर्स्ट बारी के वॉश में ही आपका जो ऑयल है सारा क्लीन हो जाएगा, आपको 2 से 3 बार करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही लाइट वेट एंड बहुत ही हेयर के लिए अच्छा हेयर ऑयल है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से जैसे कि
मैं ये एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट वाकई में बहुत अच्छा है। मैंने खुद पहले अपने ऊपर इसको अप्लाई किया 2 से 3 बार, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। ओके, तो जिनको ये कंप्लेंट रहती है कि हम हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल लाइट हेयर ऑयलिंग चाहिए एंड उसके बाद भी उनके हेयर जो हैं ग्रीसी रहते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है और आपका जो शैम्पू है वो भी कोई ज़्यादा नहीं लगेगा, आपके फर्स्ट वॉश में ही सारा हेयर ऑयल जो है क्लीन हो जाएगा एंड आपका जो स्कैल्प है, आपके हेयर हैं वो बिल्कुल हेल्दी हेल्दी हो जाएंगे। ओके,
Don't you?